हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम करने वाले हैं इसका रिव्यू। ये मैंने नया बैग परचेज़ किया है, तकरीबन ये मैंने 1600 रुपीज़ के बीच में परचेज़ किया है। ये इसका आज हम लोग रिव्यू करेंगे कि इसमें कैसे सामान आ सकता है, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या सेक्शंस बने हुए। सो टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बैग में बने हुए दो सेक्शन, एक ये बना हुआ है बैट के दो सेक्शन बने हुए, एक ये वाला सेक्शन बना हुआ है और एक ये वाला सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर इजीली आप लोग दो बैट रख सकते हो इस बैग में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ सबसे नीचे इन्होंने दिया हुआ है शूज़ का एरिया। यहाँ पर देखें, ये देखें, इसको मैं खोल के बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग इजीली अपने शूज़ रख सकते हो। ये देखें, यहाँ पर अभी मैंने अपने शूज़ रखे हुए थे, अभी आप लोगों को रख के भी बताऊँगा इसमें अपने शूज़। यहाँ पर आप लोग अपने इजीली शूज़ भी रख सकते हो। एक ये एरिया हो गया। इसके बाद इन्होंने दिया हुआ यहाँ पर सामान रखने वाला एरिया। यहाँ पर मोस्टली आप अपना मोबाइल रख सकते हो, अपना वॉलेट रख सकते हो और जो डिफरेंट चीज़ें आप रखना चाहो, यहाँ पर चाबी वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पर जो चीज़ें मैं रखता हूँ वही मैंने आप लोगों को सेम चीज़ें बता दी, मोबाइल वॉलेट चाबी यहाँ इस सेक्शन में मेरे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऊपर, यहाँ पर भी इन्होंने एक सेक्शन दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सामान रख सकते हो। मोस्टली यहाँ पर आप लोग पेन रिमूवर स्प्रे रख सकते हो, आप लोग यहाँ पर कुछ पट्टी रख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसा सामान रख सकते हो, खुदा ना खास्ता अगर बॉल लगे तो आप लोग एमरजेंसी में वो सामान यूज़ कर सको। इस सेक्शन में आप लोग वो भी चीज़ें रख सकते हो। इसके बाद आता है हमारे पास मेन सेक्शन, ये है। ये देखें, कैमरा मैन फोन थोड़ा सा आ गया। ये देखें, ये हमारा है मेन सेक्शन काफ़ी बड़ा दिया हुआ इन्होंने। इसमें आप लोग इजीली अपना पैड्स, थाई पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स, सारा सामान रख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसमें चीज़ें रखकर बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डालते हैं शूज़। सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि शूज़ इसके अंदर डालें। ये मेरे आ गए इसके अंदर शूज़, ये मेरा हो गया शूज़। इसके बाद मैं डालूँगा बैट। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल सी ये जिप खोलनी है। इसके अंदर आप लोगों ने ऐसे करके बैट डाल देना। ये आ गया हमारे बैट और शूज़। इसके बाद हम लोग खोलते हैं अपना मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में आप लोगों के आ जाएंगे पैड्स, आ जाएंगे थाई पैड्स, आ जाएगा ग्लव्स, आ जाएंगे। ये आ गया मेरा मेन सेक्शन। इसके अंदर मैं सबसे पहले अपने पैड्स डालूंगा। पैड्स डालने का आप लोगों को तरीका बता दूँ, इधर थोड़ा सा आ गया। एक पैड्स आप लोगों ने इस तरीके से डालना है, इस सामने लगाना है, और एक पैड्स आप लोगों ने कुछ इस तरीके से लगाना है। आमने सामने मत लगाना, आमने सामने लगाओ के हेलमेट की, थाई पैड्स की जगह नहीं बचेगी। एक पैड्स आप लोगों ने इस तरीके से लगाना है, एक पैड्स इस तरीके से लगाना है। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों ने थाई पैड डालना है अपना। ये आप लोगों का थाई पैड आ गया। थाई पैड के बाद आप लोगों का ये गार्ड आ गया। गार्ड के बाद आ जाएंगे ये जो ग्लव्स हैं, आप लोगों ने हेलमेट के अंदर रखने, और एल्बो गार्ड है ये भी आप लोगों ने हेलमेट के अंदर रखना है, और आप लोगों ने हेलमेट को इस तरीके से डाल देना है। और जहाँ तक ये बात है, ये मेरी बॉलों को भी मैं इस तरीके से लगा देता हूँ। और एक मेरा ये बैग बना हुआ है जिसके अंदर मैंने अपनी सन ब्लॉक वगैरह वगैरह रखा हुआ है सामान, तो इसको मैं डालता हूँ इस साइड आ गया, और ये वाला सामान मेरा इस साइड आ गया। ये मेरा हो गया सिंपल सा किट तैयार। इसके अंदर देखें कितना सारा सामान आ गया। अभी भी देखें, इधर है कैमरा मैन को कहूँ थोड़ा सा आ गया। ये देखिए कितनी सारी जगह अभी भी बच रही है, एक बैट की भी जगह और काफ़ी जगह है। यहाँ पर थोड़ा एक दो ग्लव्स और भी आ सकते हैं। आप लोगों ने सिंपल सा बंद करना है, और ये हमारा हो गया किट बैग तैयार, और आप लोग कहीं पर भी क्रिकेट खेलने जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और अपना बहुत सा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।